हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे टेली का टॉपिक कंपनी, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू ऑल्टर और डिलीट द कंपनी। पिछले वीडियो में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट, सिलेक्ट एंड शट अ कंपनी। अगर आपने अभी तक पार्ट वन एंड पार्ट टू को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे ज़रूर चेक कर लें, और इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको व्यू कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रहें। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू ऑल्टर अ कंपनी। वीडियो के एंड में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक असाइनमेंट भी दी जाएगी, उसे ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़, अपने सजेशन हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सो हमारे साथ एंड तक बने रहें। अब हम शुरू करते हैं हाउ टू ऑल्टर अ कंपनी। कंपनी ऑल्टर करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में से ऑल्टर ऑप्शन को चूज़ करना होगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने कंपनी पहले से सिलेक्ट की हो। सिलेक्शन मीन्स कि आपने कंपनी को पहले से ओपन किया गया हो। इट डजंट मीन कि आपने फिर से नई कंपनी को क्रिएट करना है। इसका मतलब ये है कि आपने कंपनी पहले से बनाई हुई है और आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से कंपनी इन्फो में से चूज़ कर रहे हैं सिलेक्ट कंपनी, और लिस्ट ऑफ कंपनी में से हम अपनी कंपनी को चूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारी कंपनी का नाम है बैच नंबर या फैशन पॉइंट। चलिए अब हम इनमें से कोई भी नहीं लेते हैं, हम ये कंपनी लेते हैं, फर्स्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी हमारे पास बोल्ड लेटर में शो हो रही है। इस मीन्स कि हमारी कंपनी वर्किंग के लिए रेडी है, हमने अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसको अगर ऑल्टर करना है, मतलब कि हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम इजीली कर सकते हैं। अब हम चूज़ करेंगे ऑल्टर, और लिस्ट ऑफ कंपनीज में से अपनी कंपनी का नाम चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं फर्स्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास कंपनी क्रिएशन का मेन्यू फिर से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कंपनी के एड्रेस में, कंपनी के फ़ोन नंबर में, ईमेल में, वेबसाइट में, या कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर व्यू हो रही है, हम उसमें किसी में भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे एड्रेस में कोई चेंज होता है, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज करने जा रही हूँ। मान लीजिए ये मेरा न्यू मोबाइल नंबर है, और मुझे अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन में ये चेंजेस करनी है। अब मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ऑल्टर हो चुकी है और मुझे इसको सेव करना है। किसी भी पॉइंट पर जब आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, वो इमीडिएटली आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर देगा। अब आपकी कंपनी ऑल्टर हो चुकी है, आप इसको व्यू कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कि कंपनी को डिलीट करना। कंपनी को डिलीट करने की डायरेक्ट कमांड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको फिर से ऑल्टर ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्टर में जाके आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसे आपने डिलीट करना है, और कीबोर्ड से कॉम्बिनेशन आप प्रेस करेंगे ऑल्टर प्लस डी। आप एक साथ कीबोर्ड से ऑल्टर प्लस डी को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स अपेयर होगा। अगर आप एक्चुअली में कंपनी अपनी डिलीट करना चाहते हैं, देन प्रेस वाई। और अगर आप इसको बाय चांस आपसे ये बाय मिस्टेक ये जो ऑप्शन चूज हो गई है, देन आप चूज़ करें नो। यहाँ चूज़ कर रही हूँ येस। अगेन आपसे ये आपसे कन्फर्मेशन लेगा। नाउ यू कैन सी कि लिस्ट में हमारी कंपनी का नाम अपेयर नहीं हो रहा। इट मीन्स कि हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा कंपनी का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इससे रिलेटेड ये ऑप्शंस किए हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, कंपनी क्रिएट करने के बाद उसे सिलेक्ट कैसे करना है, उसे शट करना है, और
अगर हमें उसके एड्रेस में फ़ोन नंबर में कोई चेंजेस करनी है तो हमें ऑल्टर मेथड को कैसे यूज़ करना है। एंड इन सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें कभी अपनी कंपनी को डिलीट करना पड़ता है तो वो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर में जाके ऑल्टर प्लस डी कॉम्बिनेशन से हम अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके लिए एक प्रैक्टिस असाइनमेंट विजिबल हो रही है जिसमें आपने एक कंपनी क्रिएट करनी है विद द गिवन डाटा और उसके बाद उसे शट करना है। अगेन उसको सिलेक्ट करके उसमें ऑल्टर की ऑप्शंस ट्राई करनी है और एट द एंड आपने कंपनी को डिलीट कर देना है। इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप हमसे ये कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए। क्या आपको कंपनी इन्फो मेन्यू ओपन करने की शॉर्टकट की पता है, या आप बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे। अपने आंसर्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।